हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो हम इसमें विश्व का इतिहास देख रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी पुनर्जागरण के बारे में। आज बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। ठीक है, याद रखिए जितने भी आपके चैप्टर वाइज चैप्टर हैं खत्म करते जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सभ्यताएं देखी थी, उसके बाद पुनर्जागरण। आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास में धर्म सुधार आंदोलनों के बारे में। और याद रखिए, इससे पहले आपका भारत का जो भी इतिहास था पूरा खत्म कर चुके हैं अच्छे से। ठीक है, और ये सभी जितने भी आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित चैप्टर खत्म होते जाएंगे, सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डालते जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका पूरा इतिहास, फिर चाहे भूगोल, फिर चाहे आपका संविधान हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, जो भी लूसेंट की तरह एक पूरा समग्र नहीं आता है, समग्र सामान्य ज्ञान का पार्ट जीके जीएस, तो उसे हम लोग खत्म करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन की बात करें हम लोग, धर्म सुधार आंदोलन शब्द यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण के उत्तर काल में हुए दो प्रमुख परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। इनमें प्रथम था आपका प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। इसके कारण ईसाई धर्म में फूट पैदा हुई, अनेक राष्ट्र रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए और उन देशों में सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर पर भी पृथक चर्चों की स्थापना हुई। याद रखने, अगर पूछे धर्म सुधार आंदोलन शब्द कहाँ से, यूरोप के इतिहास से लिया गया है। ठीक है, दूसरा परिवर्तन की बात करें तो दूसरा परिवर्तन आपका रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर हुए उन सुधारों से संबंधित था जिन्हें आमतौर पर कैथोलिक धर्म सुधार या पिती धर्म सुधार के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन के कारण। पुनर्जागरण ने धर्म सुधार आंदोलन को प्रभावित किया क्योंकि पुनर्जागरण से संपूर्ण यूरोप को एक नई दिशा मिली। लोगों के अंदर तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि हुई। व्यापारी वर्ग धार्मिक कानूनों से परेशान था। 16वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर व्यापार होने लगा था। व्यापार व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। व्यापारी या सेठ साहूकार ब्याज पर पूंजी लगाना पसंद करते थे, लेकिन चर्च सूदखोरी का विरोधी था। महान पश्चात विभाजन, दो पॉप का निर्वाचन हुआ। एक फ्रांस का प्रतिनिधित्व कर रहा था और दूसरा आपका इटली का प्रतिनिधित्व कर रहा था। परिणाम स्वरूप संघर्ष आरंभ हो गया। कुछ ने परस्पर सशस्त्र युद्ध आरंभ कर दिया। अंततः जन समुदाय में गिरजाघर के प्रति आदर और सम्मान की भावना समाप्त हो गई। अब बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम क्या रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। धर्म सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। केवल फ्रांस और स्पेन को छोड़कर यूरोप के अधिकांश देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच धर्म के नाम पर युद्ध हुआ जिसे 30 वर्षीय युद्ध कहते हैं। ये आपका 1618 से 1648 तक हुआ। इसे क्या कहते हैं, 30 वर्षीय युद्ध। युद्ध का केंद्र क्या था, जर्मनी। ईसाई संप्रदाय की एकता खंडित हो गई इसमें। ईसाई संप्रदाय कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया आपका। सार्वभौमिक गिरजाघर के स्थान पर राष्ट्रीय गिरजाघर स्थापित किए गए। ईसाई धर्म कई संप्रदायों में बंट गया। लूथर ने जिस धर्म को चलाया वह लूथरियन कहा गया। जिंगवली ने जिस संप्रदाय को चलाया वह जियोंगली संप्रदाय कहलाया। काल्विन ने प्रेसबिटेरियन संप्रदाय को जन्म दिया। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के साथ ही
राष्ट्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। अब तक लेटिन भाषा ही ईसाई जगत की भाषा समझी जाती थी, लेकिन धर्म सुधार के बाद परिस्थितियां बदल गईं। स्वयं सुधार के स्तंभ मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। लेटिन का महत्व जाता रहा। धर्म संबंधी सभी साहित्य राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवादित एवं विकसित होने लगे। ईसाई धर्म के संप्रदाय प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, लूथरियन, ज्योंगली, प्रेसबिटेरियन, क्या थे ईसाई धर्म के संप्रदाय, ये सभी थे। ठीक है, तो ये था आपका धर्म सुधार आंदोलन। आगे हम लोग बात करेंगे फ्रांस की राजक्रांति के बारे में। फ्रांस की राजक्रांति को हम लोग देखेंगे।